तो ये राजस्थान देख की एक बहुत ही ज्यादा मन में घृणा हो रही है कि सरकार कर रही है, सो रही है कान में तेल डाल करके। जल्दी से जल्दी रोड बनवाएं और ये सब करवाएं, रास्तों ठीक करवाएं। सुबह सुबह जो है ना, कल एक बच्चा पढ़ गया, किताब भेज गई, कहाँ से लाएं गरीब आदमी। मम्मी ने भी रहा, रास्ता कैसे खराब है। तब रोज इस गंदे पानी के अंदर जाते हैं और इस झाड़ियों में कपड़े फट जाती है, कान में नाकों में ऐसी लग जाती है कीड़ों की। बेटी को ना पोती को नाम तो रोशनी रख लियो, दादी मर गई अंधेरा में, वो काम है हमारे साथ। तो हमारे गांव में सड़कों की बहुत ही नाजुक स्थिति है, सड़कें हैं ही नहीं हमारे गांव के लिए। वोट है एक बार मांग करके चले गए, पांच साल बाद राम राम करेंगे, आकर के वोट देना, वोट तो देना ही, घर में थोड़ी रखना है। मैडम मारे ये काम है, रोड खराब है। हाँ ठीक से ठीक से। फिर मैडम तो जयराम जी की कह कर कान में इधर से सुन के इधर निकाल दिया। मैडम का नहीं, कोई मरो कोई जियो मैडम, अपने अपनी मस्ती मस्त है। कोई सगाई करो नहीं, को ना बुरा है, अज्ञान का रास्ता ही तो। राम राम जी। मोक्ष पोजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं फिलहाल खड़ी हूँ एक रास्ता को पर भी, रास्ता की आया की कंडीशन है कि देखा तो आप बच्चा थे देखी थान पतो लगा सको कि टाबर क्यों खड़े हैं, क्योंकि जहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, वह भरेड़ी पड़ी है। मैं पहुँच की हूँ जो पचेरी के पास में ही गांव है, 6-7 किलोमीटर की दूरी पर रायपुर अहिरान सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर आवा है। यह बच्चा रास्ता पर इसलिए खड़े ही कि रास्ता की इतनी बुरी कंडीशन है कि इंसान है वो सादा बुद्धो, मतलब कि भाई बड़ो इंसान भी गुजर कौन सके। ये तो छोटे छोटे बालक ही 10-12 साल का, यो देखो यो बच्चो, यो 6-7 साल को बच्चो है, स्कूल में आने लग रहे। अति बुरी कंडीशन है गाँव की, ये रास्ता की कि अभी तक कुछ ठीक को नहीं हुयो है। कभी ये रास्तों कटान में है, कांकरा साइक ऊपर पड़ रहे ही, कठ्यों कठे यो जा रहे हो। गांव का लोग ही बहुत आपा बातचीत करांगा और बच्चों भी आपा बातचीत है वो करांगा। हाँ जी, क्या नाम आपको? अक्षरा। अक्षरा खड़े जाके आए हो स्कूल? कौन से स्कूल, प्राइवेट या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट। तो आइए बताओ कि यो रास्तो थारो रोज को आने को जान को यो ही है के? हाँ। कौन से क्लास में हो? दसवीं में। तो रोज अटकी आओ जाओ? हाँ। अब सुबह गया हा तो कटकी गया हा? साइडा माँ के जानो पड़े है, साइडा माँ की जाना पड़ा है। तो साइडा माँ की भी खेत बीज दिया तो अभी रोला करेंगे थान तो? हाँ। खेत वाला भी भाई रोला तो करेंगे, आई बागो ना छूटे गोजना। तो फिर ये गंदगी माँ की जाओगे? हाँ, गंदगी माँ की जानो पड़े, गंदगी माँ की जानो पड़े। तो जो सरकार गवर्नमेंट का जो अधिकारी देख रहे हैं, बन के बोलना चाहोगा थे? जल्दी से जल्दी रोड बनवाए और ये सब करवाए, रास्ता ठीक करवाए। तो देखो ये बालक ही बेचारा था तो वो नहीं बोल पाऊंगी, फिर भी थे देख सको आगे की कंडीशन। हाँ जी, राम राम। राम राम। के नाम है? रेखा। रेखा कौन सी क्लास में हो? टेंथ। टेंथ में हो। तो ये गंदा पानी माँ की रोज जानो जानो करोगे? हाँ। तो मम्मी रोला कौन करेगी भाई थारा गाबा दो हजना? मम्मी ने भी रहा, रास्ता कैसे खराब है। तब रोज इस गंदे पानी के अंदर जाते हैं और इस झाड़ियों में कपड़े फट जाती है, कान में नाकों में ऐसी लग जाती है कीड़ों की। और फिर भाई अड़िन जाओ तो अड़िन तो देखो तारबंदी हो रही है, सीधी सी बात है। तो तारबंदी माँ की तो बच्चा अठिन जासी तो कया को नाक फाटेगा, कया को कान फाटेगा, कपड़ा फाटेगा, अठिन ये सारा जो बीज दिए गए हैं। और आजकल देखा कि भाई खेत के चारों तरफ सब तारबंदी है, बकर की रखी तो बच्चा खेत में भी कोई बढ़ सकी, एक गंदा पानी माँ की बच्चा ने जानो पड़ा है। और के कुछ आपने सरकार तक यह बात पहुँचाना चाहूँगा रास्ता के बारे में? हाँ बताओ। ये रास्ता जल्दी से बनवाए, अच्छे अच्छा सा बनवाए, इसमें कच्चड़ वच्चड़ नहीं रहे, और ये थोड़ा सा चौड़ा करवाए रास्ता। और हम कभी गंदे पानी में गिर जाते हैं, हमें चोट वोट लग जाती है। और हमने गवर्नमेंट ने साइकिल दे रखी है पर हम साइकिल नहीं ले गए आज तक। गवर्नमेंट के द्वारा साइकिल दिए गई पर लेके कौन गया? क्यों कौन लेके गया? इस पानी में ऐसे रास्ता अच्छा रास्ता नहीं है साइकिल ले जाने का। तो भाई बात है कि भाई राज तो अच्छे बजना है तो साइकिल लेके जासी। गवर्नमेंट एक तरफ तो बहुत बढ़िया काम करने लाग रही है और एक तरफ यो पूरा ही काम बिगाड़ रखे हुए। हाँ। यो जो गंदो पानी भरे उड़े के अंदर की जाओगी रास्ता। हाँ। की हाँ। तो ये कपड़ा तो थारा गंदा हो जाता होगा। हाँ। राज तो खराब है, एक ही वजह तो मन लगा कि आधा टाबर तो जाता ही को नहीं होगा, क्योंकि छोटा टाबर ही बतोड़े दोख मार जा ही अठे ही पड़ जा ही। तो अंकल जी ये रास्ता देख तारा स्टूडेंट देखना था नहीं लाग रहे है? ये रास्ता बनना चाहिए साहब। अच्छा, कितनी एक साल यो रास्तो कटान में है? यो साहब यो तो याद को ना कब को से जन्म से पहली को है, जन्म से पहली का है। तो इजा कांकरा भी पड़ा कि कभी? हाँ कांकरा पड़ा था कुछ गरे, और पानी से खाड़ा ज्यादा हो रहे हैं इसमें, और पानी ज्यादा है, गंदा पानी है। ये रास्ता बन जाए
तो बच्चों ने सुख हो जाए, स्कूल में जाने आने का हमें भी सुख हो जाए, इन्हें बाट लग रही है, दोनों साइड में काटना ही जेड़ी है, ऐसी बात है साहब, काटना ही जाड़ी ही टबरिया दान रस्तों को ना, यो रस्तों बन जाए और तो सुविधा हो जाए, स्कूल में बच्चों ने सुविधा यार लाने दान की सुविधा हो जाए। यहाँ इस रास्ते से साधन ले जाने का रास्ता ही नहीं है, ये बिल्कुल जर्जर हो रहा है, रास्ता खराब हो रहा है। हाँ, रिपट जाते हैं, मोटरसाइकिल गाड़ी चलती है तो चला रहे हैं, ड्राइवर किधर जाती है गाड़ी किधर, ये रिपट जाती है, रिपट जाएगी भाई, माटी बा चिकनी माटी, चिकनी माटी इसमें फंस जाती है, फंस जाती है, इसमें गड्ढे हैं, खड्डे हैं, इसमें इसमें फंस जाती हैं, ट्रैक्टर लेते हैं, ट्रैक्टर से उसको खिंचवाते हैं, फिर नुकसान भी हो जाता है इसको, ये बात है इसमें। और बालकों की क्या, बालक तो गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, फिर कपड़ा चेंज करने के लिए घर जाते हैं, देखो मैं बालक जान रहा, हाँ घर जाते हैं, चेंज करके आते हैं, फिर भी कुछ कुछ बचाव करके जाते हैं घर स्कूल में, तो लेट हो जाती है, उधर स्कूल में टीचर भी इनको धमकाते हैं, क्या करें बच्चा। सही बात है कि भाई लेट जाऊंगा जा, भैया टीचर धमकाऊंगा, कपड़ा खराब होगा ना भैया, मम्मी पापा, हाँ मम्मी पापा, हाँ मम्मी पापा रोड़ा करेगी, हाँ उसकी मम्मी भी उसको धमकाती है, लड़ती है कि कपड़े गंदे करके आ गए, मैं रोज रोज कैसे धोऊं इसको, ये उसकी मम्मी खाना बनाए क्या करें, सुबह सुबह खाना बना के देती है, टिफिन बना के देती है, और रास्ते में इसका गिर जाते हैं, टिफिन खराब हो जाते हैं, टिफिन खुल जाता है इसको, इस पानी के अंदर क्या खाएं इस स्कूल में, मतलब ये परेशान है, बिल्कुल परेशान है, इस रास्ते को बनवाना चाहिए। ये रास्ता की कितना दिन कंडीशन खराब है, और के कुछ थे बोलना चाहूँगा कड़े तक ये रास्ता के बारे में थे भाई, आगे बात पहुँच। देखिए ये ग्राम रायपुर अहिरान से शांतौर को ये रास्ता जाता है, और इस रास्ते से मैं भी, कितनी दूरी है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर की ये दूरी है, इसी रास्ता से इसी स्कूल में मैं पढ़ता था, और जब से मैं पढ़ता था तब भी मैं इसकी ऐसी स्थिति देखता था, मेरे जन्म से पहले की भी इसकी ऐसी स्थिति बताते हैं, और ये मासूम बच्चों के लिए मतलब कि बहुत ही इनके लिए गंभीर बात है, ये बच्चे इसके अंदर से जो जाते हैं, हमारे गाँव के लिए कोई भी गाँव से किसी भी सड़क से किसी भी से नहीं जुड़ा हमारा गाँव, यहाँ नियर में PHC है, उस PHC के लिए भी ऐसा ही रास्ता है, सरकार ने स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दी, लेकिन सड़कें नहीं बनाई है। हमारे गांव के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगगण, गर्भवती महिलाएं इस PHC का भी लाभ नहीं ले पाते हैं, नियर में PHC है यहाँ पे 1 किलोमीटर पे मेघपुर ग्राम में, लेकिन उस PHC का भी लाभ नहीं ले पाते हैं। हमारे गाँव में सड़क की बहुत ही नाजुक स्थिति है, सड़कें है ही नहीं हमारे गांव के लिए, तो यह बात थे कड़े कड़े तक पहुंचाई है, और की का अंडर में आवा या की का द्वारा बननी चाहिए। देखिए ये ग्राम पंचायत भी बना सकती है, और PWD के माध्यम से भी बन सकती है, और नरेगा के माध्यम से भी बन सकती है ये सड़कें, तो थे कड़े कड़े तक पहुँचाई है यह बात। देखिये मेरा संदेश सरकार को मीडिया के माध्यम से ही है, तो गांव का सरपंच ही, PWD का भी है, सारा लोग तो बताओ ना, अधिकारियों तक तो पहुँचाओ की भाई यह कहानी है। देखिए मैंने कल परसों मीटिंग हुई थी 5 तारीख की, उसमें मैंने प्रस्ताव भी लिया है इस रास्ते के लिए, और मैंने सरपंच को बताया भी है, ग्राम सेवक जी को भी बताया है कि ये सड़क है, ये जो रास्ता है ये बहुत ही दयनीय स्थिति में है, और इन बच्चों के लिए ये रास्ता शीघ्रता से ठीक कराया जाए। हरियाणा में होकर के राजस्थान में आना पड़ता है, तो ये बड़ी दुखदायक बात है कि गाँव को हरियाणा में होकर के और राजस्थान में एंट्री करना पड़ता है, यानी कि यो गांव राजस्थान, यो तो भाई राजस्थान के बॉर्डर पे है, यो तो राजस्थान के अंदर है, थाने कोई दूसरा गांव में जाना है तो पहले हरियाणा गांव में जाओ, फिर के बाद में राजस्थान एंट्री करना पड़ता है, तो ये बड़ी दुखदायक बात है, इसको जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए, ये इस गाँव को ऐसे क्यों परेशान किया जा रहा है, एक राजनीतिक मुद्दा नहीं लिया जाए, नैतिक मुद्दा लेकर के ये रोड बनाए जाए, इसके दोनों तरफ से रोड जोड़े गए हैं, किसी भी रोड से रायपुर को नहीं जोड़ा गया। खानवा है, बुआना है, सातोर है, कि कुछ गांव ही आ गांव के अंदर जान के लिए यो रास्ता जोड़ा है आ गांव ने,
पर ये रास्ता हो कि क्यों कौन जा सके, क्योंकि ये रास्ता की इतनी बुरी कंडीशन है। तो आ लोगों ने बा गाँव के अंदर जान कर ले, पहले हरियाणा का गाँव वासी भाई हरियाणा वाली सीमा में जाके बा गाँव के अंदर होता हुआ आगा आन जानो पड़ सी, बल्कि आपको डबल तो रास्ता हो जैसी गाड़ी ले जासी तो बाद डबल तेल खासी ज़्यादा टाइम बर्बाद होसी। और जो सीधो रास्ता है भी रास्ता की ये की कंडीशन है कि एक अंदर की भाई सादो बुद्धो आदमी भी कोनी जा सके, बुजुर्ग कैसे जा सके है, बच्चा कैसे जा सके ही। और देखो अब ये भाई रास्ता है जय मान लो कि 10-12 फुट को जत्ता भी फुट को है यो, और इम पूरा पानी भरेड़ी है। अब मैं खड़ी हूँ तो यो अठे तो तारबंदी कोनी, तो चलो बच्चों की भाई बच्चा अटकी खेत में किया जाए, तारबंदी भी ही काटाली झाड़ी भी ही नीम भी है, और साथ में आप बात करा तो अड़िन तारबंदी भी है, तो बच्चा जासी तो गड़े जासी या तो सारे की जासी जाए तो गाबा फाड़ो और आपका मुंह छुलाओ, वरना एक माँ की जासी रास्ता रास्ता जासी ना कपड़ा खराब करो और ये गंदा माँ के ये गंदा पानी माँ की घुस की सो बीमारी लगवा की कपड़ा खराब करके और अपनो माइंड खराब करके पानी माँ की जाओ, क्योंकि टाबर पढ़न खातर जाए सुबह तो वह फ्रेश जाए बिल्कुल, अरे मैं गंदा होके चल जाए तो टाबर कह तो प्रार्थना बोलेंगे और के पढ़ेंगे टीचर बने रोड़ा करेंगे। तो भाई ये गाँव की जो यह रोड है इन ठीक रही जा अड़ा का जो अधिकारी ही सरपंच जी ही और माननीय जो लोग ही, मानो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई एक बार इन्हें ये गांव की जो यार रोड है यो जो रास्ता है की कंडीशन देखी आकी कि ग्राउंड पर कहें कि कहें को के माहौल लीजा हो रहे है, ग्राउंड पर आके देखी ना कि कागजम देखी ना कि कोई की बोली सुनड़ी बाता पर मतलब कि निर्भर रहें अड़े आके देखेंगे तो मन खुद ने फील होगा। जय आप बात करा तो ये रास्ता देखी एक बहुत ही ज़्यादा मन में घृणा हो रही है कि सरकार कर रही है कान में तेल डाल करके और आंखें बंद करके कहे था लाग रही है कि कान में तेल डाल लिया और आंख बंद। कान में तेल तो इसलिए डाल लिया कोई किसी की सुनाई नहीं करता है, अभी आप आज आए हैं आप आए हैं कोई कोई नहीं सुनेगा, आंख इसलिए बंद दिखाई नहीं देता सरकार को, सरकार को पता है कि हमने कहाँ का रोड बना रखी। तो ताजा ताजा ही चुनाव हुए हैं, चुनाव से क्या मतलब है निश्चित, तो चुनाव मतलब है तो आए के देखो आए के देखी भाई के समस्या 23 फुट का रोड बना दिखे चट्टे उन्होंने। सही बात है, जब उनसे अगर कोई अटैचमेंट रोड है तो ठीक है, वो नहीं हमारे के काम आए वो मरबाड़े क्या दूर आकर जाए ही रास्ता माँ का। सुबह सुबह जो है ना कल एक बच्चा पड़ गया किताब बीज की कहाँ से लाएंगे गरीब आदमी, तो स्कूल में जाएगा नहीं तो मास्टर उठे डंडा मारे बेचारा का। सही बात है, तो टब डर को मारे कौन जाए उठे एबसेंट लग जाए है के करो बताओ, समस्या है यार। सरकार ने भी तो दिखा है कि आप ये रोड बना रहे हैं इतना मोटा मोटा तो ये रोड कटे जाएंगे सिटी से सिटी जोड़ने के लिए, गाँव को भी तो जोड़ो ना, गांव से गांव को भी तो जोड़ना चाहिए, गांव में घुसने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं इस रायपुर गांव में घुसने के लिए, और जिससे बच्चा घुस जाए बूढ़ा बुजुर्ग आदमी को चला जाए, अभी आप बताओ इस रास्ते पे कोई जा सकता है। और भाई रास्ता की कोनी रायपुर के अंदर तो रायपुर में घुसने के लिए की भाई नाली है बा बिल्कुल भी सही कोनी है, बाबी ब्लॉक हो रही है, तो एक अंदर मतलब थोड़ी तो भाई लोगों की भी गलती रवे है, राजस्थान ध्यान दे बॉर्डर के ऊपर गाँव है तो हरियाणा तो ध्यान क्यों देगा, हमारी सब फैसिलिटी तो इधर को चाहिए, हमारे को राजस्थान से चाहिए, राजस्थान हमारे पास ध्यान नहीं देता क्यों, क्या करना है वोट है एक बार मांग करके चले गए 5 साल बाद राम राम करेंगे आ करके वोट देना, वोट तो देना ही घर में थोड़ी रखना है। सही है, लेकिन कोई आ जाओ कुर्सी पर घोड़ी पर कोई आ जाओ कोई बोलो को ना सैन्यू आके तो वोट की राजनीति है रही है, तो आए के बैठ गया राम जी के आले बन के बैठ गया मंत्री बन गया संतरी की कौन सुने वोट देने कोई कौन सुना, एक बार तो सुनाई करी हाँ हाँ करांगा थारो काम करांगा इब के कर रहे हैं देख लो, बस में जा करके वहाँ बैठे कैसे जाएंगे रास्ते भी तो जहाँ इतना इतना पैर मिट्टी में ले जाएंगे पानी से भी कौन बस में बैठाएगा बैठ गया से भगा देते हैं डांट मार के बच्चों को भी आ गई भिखारियाँ ऐसे करके बोलता है बस वाला, तो टेम्पो वाला ही नहीं बैठाते और तो बात ही छोड़ो, थ्री व्हीलर जो कि उसको तो कोई आदमी आए उसको तो किराए से मतलब है वो नहीं बैठाते, बोल बक 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 गाड़ी गंदा कर दिया बताओ कहाँ जाए बच्चे। सही बात है, कौन बैठाए कोई नहीं बैठाता, आपके पास गाड़ी है आपको बोले भाई साहब बैठाना कोई, आप बोले दूर रहो दूर रहो हाँ कौन बैठाएगा इतने गंदे पैर लेकर के जाएगा, तो कोई नहीं बैठाता, और मैं कोई सरकार सुनाई करती है सरपंच यहाँ का कोई मालिक है नहीं, एक सरपंच नहीं हुआ बेना की तरह लापता हरी है वहाँ कौन मिल रही, लापता थोड़ी हो रहे हैं लापता हरी है वहाँ थोड़ी देर पहले बात करी तो बोले मैं पीर गेड़ी हूँ
उदड़िया ने थमी जाए जा देखे हेगा मैडम इसी बात करो कैसे पीर गयो डी। अच्छा सही में बात करी, मजाक की बात को नहीं, स्कूल में जाके आई, स्कूल में जाके आई ही मैं जना बात करी जना को मैं कितना दिन से पीर में था, पीर में रहती जो पर आठ क्या तो चुनाव लड़े जुटे रही है उठे लड़ो है अरे लोगों की समस्या सुनने खातिर बनाई थी के अग पीर की समस्या सुनने खातिर यहाँ अग माँ बापा की सेवा करिए उठे सासू ससुर की सेवा करो उरे रहो हर गांव की सेवा करो जब तो बनाई थी गया के दो चार दिन में या दो चार महीना में बाक नहीं की भाई यह समस्या है कहीं की निजाम अंत मिला ही को नहीं कब है कोई पत्र होता हम कौन देखा कहा जा रही है मैडम नहीं तो उसका काम है हफ्ते में दो महीने में दो बार मीटिंग होती है पाँच तारीख को बीस तारीख को मीटिंग में आए देखे पूछे भाई क्या समस्याएं हैं तब तो बताए भी तो पाँच दस आदमी इकट्ठा भी मिली मैं चलो गयो मैडम मारे ये काम है ये रोड खराब है हाँ ठीक सा फिर मैडम तो जयराम जी की कह कर कान में इधर से सुन के इधर निकाल दिया मैडम का नहीं कोई मरो कोई जियो मैडम अपने अपनी मस्ती मस्त है थोड़ी बहुत ममता तो होनी चाहिए गांव के प्रति पंचायत के प्रति ममता तो होनी चाहिए नाम ही ममता है नाम के विपरीत काम है नाम ममता बेटी को ना पोती को नाम तो रोशनी रख ली और दादी मर गई अंधेरा में वो काम अरे मार साथ तो बताओ कहीं मन में मुझसे कहाँ कोई सुन नहीं मारी आज को ना बोट लेकर चला गया राम राम सैन सैन वह भी बोट लेकर बैठ की बेरे को निकट से पीर में से एक सास राम मान्य तो आज तक उनको ठिकानू पाए को नहीं जाया करो तुम कहाँ कहने जावा तो सरपंच कहने जाऊ ले जाऊ सरपंच की मारी लापता है रही कह रहे थे हमने को भाई को नहीं मिला हाँ जी भाई थे कि कुछ बोलना चाहोगा रास्ता के लिए हाँ जी ये रास्ता की मतलब इतनी कंडीशन खराब है थारे भी आन जान में दिक्कत तो होती होगी जब मालो तो कया का खेत ही कया का घर ही हाँ जी वो तो सभी को होती है यहाँ से बिलोंग करते हैं ये चार रास्ते चारों के चारों ऐसे ही हैं ये रसूलपुर वाला शांतौर वाला मेघपुर वाला पीएससी सेंटर है यहाँ पे मेघपुर में ये भी ऐसा ही है कोई सा रास्ता सही नहीं है किधर के जाएंगे हाँ जी सही बात वो तो रास्ता ठीक हो नहीं तो जसो ये तो कीचकोड़ा माकी जाओ हाँ जी इधर के जाएंगे तो जब जरूरत पड़ेगी तब तो जाना ही पड़ेगा क्या करेंगे पहली तो बात तो ब्याह कौन जाए और ब्याह में कोई एक आदि आवे बेचारी बोली ढोली वा मुंह तेरा पड़ के टूट गया जो कोई दूसरे सगाई करे नहीं को ना बुरा अज्ञान का रास्ता ही तो बिना टबरिया की कोनी हुई के तो मार ला के और भाई का बच रहा जी वो भी तुम्हारे भाई है मारे भाई का टबर जी देखिए पीएचसी के लिए जो रास्ता है उसके लिए तो मैं उपखंड अधिकारी को लिखित में दे चुका हूँ पोर्टल पे बोल चुका हूँ और इससे पहले भी वीडियो पीएचसी के लिए चले हैं पीएचसी के लिए तो काफी बार मैं दो साल से बोल रहा हूँ पीएचसी की भी समस्या है स्कूल की भी समस्या है गांव की भी समस्या है सारी समस्या रायपुर रायपुर हिरान में ही हाँ, ये नियर एक किलोमीटर पे ही पीएचसी है इसका वरिष्ठ नागरिक दिव्यांगन गर्भवती महिला अगर गर्भवती महिला को किसी वाहन में अगर ले जाएं तो समय से पहले डिलीवरी हो जाए ऐसी रास्ता है ये तो खराब रास्ता इतना रास्ता खराब है ये इस पीएचसी का तो थे देख रहे होगा भाई वो बड़े खबड़ है भाई बात है प्रेगनेंट कोई महिला है बिन कोई गाड़ी में भी लेके जा गाड़ी वालों कति धीरे चला सी 20-30 की स्पीड पर चला सी तो बीच में भाई एक प्रेग्नेंट महिला है 9th बिन कंप्लीट हो चुके हैं वह उबड़ खाबड़ बा गाड़ी चाल सी भी भैया ज़्यादा दर्द उसी बीच में डिलीवरी हो जाए आजकल थान बेरो इन्फेक्शन वगैरह की कितनी समस्या हुई एक महिला बा कितनी प्रॉब्लम झेल रही है आदमी भी झेल रहे हैं बच्चा भी अटके जाए स्कूल वाला भी झेल रहे हैं तो सरकार ने थोड़ा ध्यान है वो देना चाहिए राम राम धन्यवाद।